महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं शान्य सिंह, और साथ ही साथ आज अपने समस्त देशवासियों को गणपति स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गणपति का आगमन हो चुका है, गणेशा हम सब के घर में विराजमान हो चुके हैं, और इसी के साथ ही गणपति अपने साथ लाए हैं ढेरों खुशियां। हम सब के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हर साल बप्पा हम सब के घर में आते हैं, पूरे 10 दिन तक हमारे घर में अतिथि बनकर रहते हैं और जाते हुए हमारी आंखें नम कर जाते हैं। तो इस साल एक बार फिर वो हर रूप में हमारे घर परिवार में आ चुके हैं। क्या है गणेश महोत्सव, क्या है इस पर्व की महत्ता, कैसे ये पर्व देखते देखते महाराष्ट्र से निकलकर आज पूरे देश में, या यूं कहूं कि पूरे विश्व में फैल चुका है, किस तरह से गणपति हम सब के घर के भीतर आ चुके हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। गणपति बप्पा के इस दिन को कैसे मनाना चाहिए, कैसे गणपति को अपने घर में स्थापित करना चाहिए कि वो हमारे घर को सकारात्मकता से भर दे, क्योंकि आज आपके और हमारे ऊपर नकारात्मकता, अवसाद यानी कि डिप्रेशन हावी हो चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और इस सुंदर परिचर्चा में जुड़ने के लिए हम सीधा आपको लेकर आए हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, और आज हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, या यूं कहें कि अपना योगदान देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं साध्वी दीपिका भारती जी। तो आइए सबसे पहले दीदी का स्वागत करते हैं और उसके बाद अपने प्रश्नों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं आप ही के यहाँ पर आई हूँ, संस्थान में आई हूँ, लेकिन कार्यक्रम जो है वो एक ऐसा लेकर आई हूँ जिससे जिसके नाम से ही पॉजिटिविटी झलकती है। तो आज गणपति जी की स्थापना घर घर में की जा रही है, चाहूंगी आज आप उससे जुड़ी भी हमें तमाम जानकारी दें, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति जी के चरणों में बारम्बार प्रणाम अर्पित करते हुए, आपने बहुत सुंदर ये एक परिचय दिया है इस पर्व का, कि इसकी व्यापकता जो है वो महाराष्ट्र से शुरू होकर आज देश भर में फैल चुकी है, निसंदेह ये बिल्कुल सच बात है। और 10 दिन तक गणपति जी का जो आगमन होता है हमारे घरों में, स्थापना होती है, और उसके बाद जब विसर्जन होता है, तो बहुत कुछ है जो गणपति जी हमें देकर जाते हैं, परंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या हम उसे सहेज कर रख पाते हैं, क्या उसका जो तत्व है हम उसे समझ पाए हैं। क्योंकि आपने जो कहा कि हमारे घरों में आज एक ज़रूरत है, एक मच नीडेड पॉजिटिविटी जिसे हम ढूंढते हैं, पर ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल्स में भी वो नहीं दिखती, और यही कारण है कि सोशल लेवल पर भी उसकी अभिव्यक्ति हमें नज़र नहीं आती। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पर्व है, इसे मनाने के पीछे कुछ कारण होते हैं, लेकिन जब हम कारण पूछते हैं तो अक्सर साधारण जनों से हमें उत्तर क्या मिलते हैं, हमारे पिताजी भी करते आए हैं, उनके पिताजी भी करते आए हैं, ये तो परंपरा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आखिर ये परंपराएं जो हैं ये कहाँ से आई, इसका ओरिजिन क्या है, इसके पीछे का तत्व क्या है। क्योंकि शालिनी होता क्या है, हर पर्व जो परंपरा बन गया उसके पीछे जो तत्व है, जो मर्म है, जब तक हमने उस तत्व को नहीं जाना, होता क्या है, बाहरी रूप से हम उसके कर्मकांड, उसके रिचुअल्स को परफॉर्म करते रहते हैं, वो आगे चलता है परंपरा के रूप में, लेकिन वो रूढ़िवादिता का रूप ले लेता है। यही कारण है कि आज जो हम गणपति का पूजन कर रहे हैं, हम बाहरी क्रियाकलाप तो सब कर रहे हैं, और उससे जो बाहरी बेनिफिट्स हैं आउटर लेवल पर, वो हमें सब मिल रहे हैं, लाइफ में सक्सेस है, सिद्धियां हैं, जो मनोकामनाएं हम करते हैं वो पूर्ण होती हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि गणपति जी के बारे में तो कहा गया गणेशो वही ब्रह्मा, कि वो तो परब्रह्म है, वो एक इटर्नल कॉन्शियसनेस है।
अगर हमने उस तत्व को जान लिया होता तो आज वो इनर बेनिफिट्स भी हम रिपिन कर पाते, जैसे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन को जिए कैसे, जीवन को आदर्श जीवन शैली बनाएं कैसे, ये एक अंतर रह जाता है जब हम मर्म को नहीं समझ पाते। दीदी, जहाँ तक बात है कि इस पर्व की, मैं तो इसे पर्व नहीं बल्कि महोत्सव कहूँगी, ये ऐसा उत्सव है जो हम सबके भीतर जो है एक नव ऊर्जा का संचार करता है। इसका मर्म क्या है? हमें अपने मन में क्या भाव रखकर गणपति जी बिठाने चाहिए? चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं। जी देखिए, गणपति जी का जो ये महोत्सव है, 10 दिन का ये महोत्सव, गणेश चतुर्थी के दिन इसकी शुरुआत होती है, जहाँ गणेश जी का आगमन हमारे घरों में होता है और हम विधि विधान के संग उनकी स्थापना करते हैं। 10 दिन तक उनका पूजन करते हैं और 10वें दिन जो अनंत चतुर्दशी है उस दिन उनका विसर्जन करते हैं। अब ये गणेश जी का जो स्वरूप जिसे हम लेकर आते हैं, जिनका आगमन हमारे घरों में होता है, ये उनका वो स्वरूप है जो रूप उन्होंने भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र के रूप में धारण किया। लेकिन प्रश्न ये है कि हमने उनके तत्व को जानना है। तत्व क्या है पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। मानिए हमारे पास सोने के बहुत से गहने हैं, सब गहने अलग-अलग दिखते हैं। अगर हम उन सब गहनों को पिघालते हैं, जैसे सुनार क्या करता है, उन्हें पिघालता है, तो वो सब पिघल कर वही कोर एलिमेंट गोल्ड बन जाते हैं, उसका तत्व बाहर आ जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, अलग-अलग शेप्स हैं, अलग-अलग साइजेस हैं, उनको जब तोड़ते हैं, पानी मिलाते हैं, तो वो तात्विक रूप में आ जाता है। ठीक इसी तरह गणेश जी का भी जो तत्व रूप है, उसे समझना यदि है, तो भगवान गणेश ने जो अनेकों अवतार धारण किए हैं, उन सब अवतारों के मूल पर हमें जाना होगा, तभी इसका मर्म निकल पाएगा। मुद्गल पुराण में वर्णन आता है कि श्री गणपति जी ने 8 अवतार धारण किए। इन 8 अवतारों में 8 प्रकार के असुरों का अंत किया। ये जो 8 असुर हैं, ये हैं मत्सरासुर, मत्सर माने ईर्ष्या, ममतासुर अटैचमेंट, मोहासुर मोह, लोभासुर लोभ, क्रोधासुर कामासुर, अभिमानासुर मदासुर। इन 8ों असुरों को मारने के लिए गणपति ने 8 अवतार धारण किए। यानी कि ये जो है 8 जो ये असुर हैं, ये हमारी वो बैड हैबिट्स हैं। बिल्कुल ये हमारे अंतर जगत की अभिव्यक्ति है, क्योंकि ये कहीं बाहर नहीं, ये अंदर है। तो गणपति जी का जो अवतरण है, जो 8 बार हुआ इन्हें इनका वध करने के लिए, अब इन सब में यदि कॉमन एलिमेंट हम निकालते हैं तो वो क्या निकल कर आता है कि ये सब के सब हमारी निम्न प्रकृति हैं, ये हमारी लोअर नेचर हैं। माने गणपति जी जब जब अवतार धारण करते हैं तो वो मनुष्य की निम्न प्रकृति का वध करते हैं और उसे निम्न प्रकृति से उच्च प्रकृति की ओर लेकर जाते हैं। दिस इज इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से इट इज एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस दैट गणपति जी बेस्टोज अपॉन अस। ये मर्म है गणपति महोत्सव का। बहुत सुंदर तरीके से दीदी ने यहाँ पर एक बात समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारे भीतर की जो कुरीतियां हैं, क्योंकि आज दीदी मुझे नहीं लगता कि आज कहीं पर वो बड़े बड़े सिंह वाले असुर दिखाई देंगे जो आते थे और जीवन में प्रलय लेकर आते थे। आज बिल्कुल हमारे भीतर की जो कुरीतियां हैं, जब तक हम इनका नाश नहीं करेंगे, जब तक हम इनका वध नहीं करेंगे, तब तक हम वो प्राप्ति नहीं कर सकते जिसकी एक मनुष्य कामना करता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं शालिनी। उपनिषदों में ये बहुत स्पष्ट लिखा है, असुषु इंद्रियेषु इति असुरः, जो अपने इंद्रियों में ही रमण करते हैं वही असुर हैं। तो ये सारे असुर हमारे भीतर हैं। ये जो भगवान गणेश हैं, एक स्वरूप वो हुआ जिसकी स्थापना हम अपने घरों में कर रहे हैं। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा, बहुत से श्लोकों में, बहुत सी वाणियों में ये कैटेगोरिकली मेंशन किया होता है, आदि गणेश। जी आदि गणेश की चर्चा की जाती है, माने एक तो गणेश है और एक आदि गणेश। ये आदि गणेश क्या है? ये है गणेश जी का तत्व स्वरूप, जिसमें वो सदा निरंतर इस सृष्टि में रहते हैं, रमण करते हैं। जैसे
भगवान विष्णु है और एक उनका महाविष्णु रूप है, भगवान शिव है और एक उनका सदा शिव रूप है, भगवान ब्रह्मा है और एक उनका परब्रह्म रूप है। ठीक इसी तरह से एक भगवान गणपति हैं, भगवान गणेश, और एक उनका ये अनंत स्वरूप है, इटर्नल फॉर्म है, आदि गणेश। उस आदि गणेश से हमें अपने भीतर जुड़ने की आवश्यकता है, तभी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी प्रॉस्पेरिटी आएगी। बहुत सुंदर। तो इस तरह से हमें जो है अपने भीतर कुछ बदलाव लेकर आने हैं और उन बदलावों के साथ ही हमें इस गणपति महोत्सव को आगे बढ़ाना है। समाज बदल रहा है, व्यक्ति अपने भीतर बदलाव ला रहा है, लेकिन अब वक्त आ चला है जब हम ये ना कहें कि हमारे घर में, हमारे परिवार में परंपरा है, हम इसलिए इस पर्व को मना रहे हैं, बल्कि आज हमारे भीतर ये भाव होने चाहिए कि हम इस पर्व को इसलिए मना रहे हैं कि हमें खुद के भीतर से कुरीतियों को खत्म करना है। और यही संदेश हमें अपनी आने वाली भव्य पीढ़ी को देना है, उन्हें बताना है कि आपको अपने भीतर से इन बैड हैबिट्स को हटाना है, तभी जाकर आपको गणपति की प्राप्ति हो पाएगी, तभी आपको इस पूजन पाठ का पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। आइए और गणपति से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। दीदी, कहा जाता है कि जो गणपति के शरीर की संरचना है, जिनकी हम स्थापना करते हैं, जैसे कि वक्रतुंड, महाकाय उनका जो है, और जिस तरह से उनके बॉडी स्ट्रक्चर है, ये भी हमें एक संदेश देता है। उनके बड़े बड़े कान, उनकी सूंड, उनका एक दांत, उनका बड़ा सा पेट, ये जो संदेश देता है, चाहूंगी आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए शालिनी, जो ये गणपति जी का स्वरूप है, इसमें जो ये इनके कान हैं, बड़े बड़े कान, ये आप ज़रा इस पर गौर करेंगी तो आप देखेंगी कि ये सूप की तरह है। बिल्कुल, जिस तरह हम सूप से छानते हैं, मतलब जो सार है उसे रखते हैं और जो असार है उसे गिरा देते हैं। ठीक यही प्रेरणा हमें गणपति जी के कर्णों से मिलती है कि टेक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। और जो गणपति जी के नेत्र हैं, जो आँखें हैं, वो बहुत छोटी हैं। छोटी माने फोकस, कि हमारा ध्यान कभी भी इधर उधर की चीज़ों में ना भटका रहे, हम अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस्ड रहें। आपने देखा होगा जब फोटोग्राफी की जाती है तो कैमरे का लेंस फोकस किया जाता है, और जब हम भी कभी दूर किसी निशाने पर हमें निशाना लगाना होता है, वी स्क्विंट आवर आइज लाइक दिस, हम छोटी करते हैं अपनी आँखें, अभिप्राय है कि फोकस बनता है। तो ऐसे जो गणपति जी के सारे अंग हैं, उससे हमें बहुत सी ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं। लेकिन इसके साथ जो आदि गणेश का स्वरूप है, हमें उस पर भी गौर करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जो आदि गणेश का स्वरूप है, उसमें गणपति जी के चार हाथ हैं, और ये जो चार हाथ हैं, ये हमें जीवन की बड़ी सूक्ष्म प्रेरणा देते हैं और हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं। ये जो गणपति जी के चार हाथ हैं, इसमें एक हाथ में गणपति जी ने अंकुश पकड़ा है, दूसरे हाथ में एक किताब है, तीसरे हाथ में मोदक है, और चौथे हाथ जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो ये एक्चुअली ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो गणपति जी के इन चार हाथों से हमें मिलता है। ये जो अंकुश गणपति जी पकड़ते हैं, ये है कि हम अपनी हैबिट्स पर, अपने स्वभाव पर, अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर अंकुश लगाएं। दूसरा हाथ में किताब है, माने स्वाध्याय करें, अपना स्व अध्ययन, इंट्रोस्पेक्ट करें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा कर्म कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मुझे कहाँ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। तीसरा है मोदक, माने माधुर्य, मिठास, हमारी जो वाणी है उसमें मिठास हो। कहते हैं ना, तुलसी कबहू ना छाड़िए, क्षमाशील संतोष, ज्ञान गरीबी हरि भजन, कोमल वचन अदोष। कि ये जो चीज़ें हैं ये कभी छोड़नी नहीं चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरे भी आपके अपने हो जाएं। लेकिन वाणी तो क्या, हम दृष्टि से ही दूसरों को ऐसे देखते हैं कि दूसरे दूर भाग जाएं। तो ये जो माधुर्य है, ये हमारी पूरी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी
वही हमें ये सारी बातें सिखाते हैं, समझाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी ने ही ये समझाया और महाराज जी ने कहा कि जब ये तीनों एस्पेक्ट्स पूरे हो जाते हैं तो जो चौथा एस्पेक्ट है ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेश, उसे हम रिसीव कर पाते हैं। जी, तो कितना सुंदर संदेश जो है वो गणपति जी हमें दे रहे हैं। सिर्फ आवश्यकता है इसे न केवल समझने की बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने की। कई बार हम सबकी बातें सुन तो लेते हैं लेकिन हम कभी भी उसे अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, उन पद चिन्हों पर चलते नहीं हैं। यदि आप उन पर चलना प्रारंभ करेंगे तो आपको स्वयं दिखेगा कि आप जिन लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हैं। आपको जीवन में सफलता चाहिए, सफलता के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान आपको कब प्राप्त होगा? जब आप अपने भीतर की कुरीतियों को पूर्ण रूप से खत्म करेंगे और उनका वध करेंगे। यही संदेश तो हमें गणपति देते हैं। आइए इस पर्व से जुड़ी हुई कुछ और बातें जानते हैं। दीदी, गणपति जी का जो वाहन है वो चूहा है, मूष। मूष की सवारी करते हैं गणपति जी। उनका शरीर जो है इतना विशाल काय है और वो खुद छोटे से चूहे पर सवार हैं। क्या ये भी कोई संदेश देता है हमें? बिल्कुल। ये जो मूषक है, ये चूहा, ये प्रतीक है मानव के मन का, ह्यूमन माइंड। जो अगर आप ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं तो कभी भी आप माइंड को ग्रॉस एक ऑर्गन के रूप में नहीं पाते, क्योंकि माइंड सटल है, बहुत सूक्ष्म है। तो गणपति जी जो इतने विशालकाय हैं और वो इतने छोटे से चूहे पर विराजमान हैं, ये यही संदेश है कि जो मन बहुत सूक्ष्म है, इसे हम अपने नियंत्रण में यदि कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सफलता है। गणपति जी ने उस चूहे को, उस मूषक को नियंत्रण में कर लिया। यही हमें भी अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। कभी आपने सोचा शालिनी कि गणपति जी की अग्र पूजा क्यों होती है? इसीलिए उस स्थान को प्राप्त किया था अपने माता पिता का जो है वो चक्कर लगाकर कि सबसे पहले उनकी पूजा हो। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, कथाएं हैं। वास्तविकता ये है जो हम अभी शुरू से ये चर्चा करते आ रहे हैं, निम्न प्रकृति की, लोअर सेल्फ की, हमारी कुरीतियां जो हमारे भीतर हैं, अगर इन सबको किसी एक वर्ड में हमें सिग्निफाई करना हो तो मैं कहूँगी कि जो मनुष्य का देहाभिमान है, देहाभाव, हिज फीलिंग दैट ही इज अ मॉर्टल कॉन्शियसनेस, कि वो ईश्वर से अलग है, कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मेरी स्वयं की एक अभिव्यक्ति है, मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, ये जो भावना है, ये भावना ही उसके अंदर सारी कुरीतियों का जन्म करती है। और गणपति जी की अग्र पूजा इसीलिए की जाती है ताकि इस भावना का हम वध करके अपनी जो इमॉर्टल कॉन्शियसनेस है उससे जुड़ सकें। ये भारतीय संस्कृति जो हमारी है, ये बहुत वैज्ञानिक है। आप देखिए, महर्षि बहुत सुंदर ये समझाते हैं कि 1912 में टाइटैनिक शिप बना था और उसकी एक टैगलाइन थी जो पब्लिश हुई थी सारे न्यूज़पेपर्स में, दैट टाइटैनिक इज अनसिंकेबल, है ना। उन्होंने क्लेम किया ये और बहुत खुश होकर, बहुत फ्लैम्बॉयंटली इसे क्लेम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक अभिमान, एक गर्व भर चुका था कि हमने एक ऐसी शिप बना ली है, एक ऐसा मास्टरपीस जिसकी कोई टक्कर नहीं है कहीं। तो हुआ क्या, वही टाइटैनिक शिप, एवरीबडी नोज, इट सैंक। 1517 पैसेंजर्स जो उसके अंदर थे, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग थे, गर्व से भरे हुए, लोडेड पॉकेट्स, लोडेड ईगोस, वो सब के सब उसमें मर जाते हैं। महर्षि ने एक बार अपने प्रवचनों में ये गूढ़ विज्ञान हमें समझाया कि भारतीय संस्कृति में अग्र पूजा का विधान इसीलिए है ताकि हमने जो कुछ भी बनाया, हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि प्रभु, जो कुछ किया वो आपने किया, मैं तो मात्र आपका यंत्र था। और जहाँ ये भावना नहीं आती कि मैं आपका इंस्ट्रूमेंट था, आपने मेरे माध्यम से करवाया, वहाँ यही रिजल्ट्स होते हैं। अभिमान, बिल्कुल। इसलिए गणपति जी की अग्र पूजा की जाती है। और अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचेंगी तो आप ये समझ पाएंगी कि गीता का जो कर्मयोग का सिद्धांत है वो बिल्कुल इस अग्र पूजा के पैरेलल है।
गीता का जो कर्मयोग का सिद्धांत है ये कहता है कि कर्म करो, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। माने आपने जो कर्म किया, आपने एक यंत्र बनकर कर्म किया, अब उसका फल ईश्वर के हाथ में है। फ्रूट्स ऑफ एक्शन की ओर गौर मत करो। लेकिन हम जब गर्व से भर कर कोई काम करते हैं तो हमें लगता है मैंने किया, अब इसके ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, अब मेरा जो प्राइड है वो और एस्केलेट होगा, पीपल विल प्रेज मी, लोग आके मुझे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब हमारा जो ध्यान है वो जहाँ होना चाहिए वहां से कहीं और चला जाता है। और दीदी ध्यान तो भटकता ही है, साथ ही साथ जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। डिप्रेशन की शुरुआत भी शायद वहीं से हो रही है बिल्कुल, कि हमने इतनी उम्मीदें बांध ली हैं। जैसे कि आपने कहा जब हम कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं कि पीपल विल अप्रिशिएट मी, और जब वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है या यूं कहें कि उस लेवल का नहीं मिलता है तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कितना वैज्ञानिक है ये पूरा क्रम। जी जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में समझाते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संग, तो मतलब जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर एक आसक्ति जन्म लेती है। जब आसक्ति जन्म लेती है और हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, जब वो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो हम अपनी स्थिति से, अपने सोचने समझने के विवेक से गिर जाते हैं और हम गलत काम कर बैठते हैं। माने हम मनुष्य के स्तर पर थे लेकिन हम इसी शरीर के अंदर असुर के स्तर पर जाकर गिर जाते हैं। डाउनफॉल इन ह्यूमन पर्सनैलिटी, वही जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वही जो 8 असुर जिनका वध गणेश जी ने किया, ये स्थिति तभी आती है ना। तो कितना वैज्ञानिक है ये पूरा क्रम। विषयों का चिंतन कर रहे हैं या फिर परिस्थितियों का चिंतन कर रहे हैं कि मेरे साथ ये घटेगा, और जब वो नहीं घटा तो हम कहाँ से कहाँ गिर जाते हैं। दैट इज डाउनफॉल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए गणपति जी की आवश्यकता है हमारे जीवन में, क्योंकि गणपति जी विवेक का प्रतीक है, अवेकंड विजडम सद्बुद्धि का प्रतीक है। जब तक ये सद्बुद्धि हमारे जीवन में नहीं होगी हम ऊर्ध्वमुखी नहीं हो पाएंगे, हमारी उड़ान अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल। और आपने ये कथा ज़रूर सुनी होगी शिव पुराण में जो गणेश जी की उत्पत्ति की कथा है, ये अपने आप में ही बहुत प्रासंगिक है और इस पूरे प्लॉट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मैं आपको सुनाती हूँ। शिव पुराण में ये वर्णन आता है कि भगवान शिव उस समय नहीं थे वहाँ पर, माँ पार्वती जब स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने शरीर की मैल से एक आकृति बनाई और उसे फिर चैतन्य पुरुष बना दिया और उसको नाम दे दिया गणेश, और कहा कि तुम द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी करो। तो अब होता क्या है कि भगवान शिव आते हैं, वो उसे पहचानते नहीं, गणेश बहुत रोकने का प्रयास करता है लेकिन भगवान शिव अंदर चले जाते हैं। अब लोग इस कथा को, इसको बहुत विरूपित ढंग से लेते हैं, तो यहाँ मैं रुक कर ये ज़रूर समझाना चाहूँगी सभी को कि यहाँ जो भगवान शिव का एक कैरेक्टर हम प्रस्तुत करते हैं वो बहुत गलत होता है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो परम सत्ता हैं, वो देहाभिमान से परे हैं, उनके लिए ना वस्त्र मैटर करते हैं ना शरीर मैटर करता है, क्योंकि वो आदि योगी हैं, वो भोगी नहीं है। लेकिन जब वो उस नाना घर में गए तो माँ पार्वती लज्जित होती हैं, संकुचित हो जाती हैं। क्यों? यूँ तो वो महामाया हैं लेकिन वो जीवात्मा की प्रतीक हैं और जीवात्मा में देहाभाव है, इसलिए वो लज्जित होती हैं। और उसके बाद जब वो लज्जित होती हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। भगवान शिव जो हैं वो देखते हैं कि गणेश है और ये, तो जब अपने भगवान शिव के गण वहाँ जाते हैं और गणेश के साथ सामना होता है तो भगवान शिव के मन में ये बात पहले से ही है कि जो मेरे गण हैं इनके गर्व का भी मुझे वध करना है। तो भगवान शिव कल्याणकारी शक्ति हैं लेकिन यहाँ वो भी एक लीला कर रहे हैं। और भगवान शिव के गण जब गणेश के साथ उनका युद्ध होता है
भगवान शिव को बताते हैं और गणेश ने उन्हें परास्त कर दिया, वो नन्ना सा बालक लेकिन उसमें इतनी शक्ति। तो भगवान शिव उस गणेश का जो सर है वो स्वयं जाकर उसे काट देते हैं। तो माँ पार्वती बड़ी क्रुद्ध हो जाती हैं और हर ओर संघार संघार ऐसे स्वर गूंजने लगते हैं। तो उस समय जो देव हैं, जो भगवान शिव के गण हैं, वो सभी प्रार्थना करते हैं माँ पार्वती के चरणों में। तब वो कहती हैं कि एक ही शर्त है, यदि आप सभी के बीच में ये अग्र पूजनीय हो जाए तो फिर कुछ हो सकता है, ये संघार रुक सकता है और उसके लिए आपको मेरे पुत्र को जीवित करना होगा। अब भगवान शिव अपने गणों को भेजते हैं, एक हाथी का सिर लाया जाता है और उस सिर को जो भगवान शिव के गण हैं वो बड़ी बखूबी एक शल्य चिकित्सा करते हैं, हेड ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका प्रत्यारोपण गणेश के शरीर पर कर देते हैं। भगवान शिव उसमें प्राण फूंक देते हैं और वो चैतन्य हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो माँ पार्वती ने जिस गणेश की उत्पत्ति की, माँ पार्वती माया स्वरूप है, माया से जन्मा जो गणेश है वो एक नेचुरल एक साधारण जन्म है जिसे हम मटेरियल बर्थ कहते हैं। लेकिन अब उसे एक द्वितीय जन्म मिला जब भगवान शिव ने उसमें प्राण फूके और उसे एक नया जन्म दे दिया जब हाथी का सिर लगाया। तो यहाँ भगवान शिव जो किरदार निभा रहे हैं वो एक गुरु का किरदार निभा रहे हैं। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें एक आध्यात्मिक जन्म मिलता है, विच इज़ आर सेकेंड बर्थ, ट्वाइस बॉर्न जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल बर्थ मिलता है, हम द्विज हो जाते हैं। तो वही गणेश है लेकिन उसे साधारण से असाधारण बना दिया, उसका द्विज हो गया। नाउ ही इज अवेकन्ड विजडम, अब वो विवेक के प्रतीक है, अब वो सद्बुद्धि है। इसी सद्बुद्धि की हमें भी अपने जीवन में जरूरत है, इसी कारण उनकी अग्र पूजा की जाती है ताकि हमारे अंदर भी वो विवेक आ सके। तो ये कहानी है कि किस तरह से गणपति जो है वो अग्र पूजनीय हुए, किस तरह से वो प्रथम पूजनीय होकर सनातन धर्म में हर जगह आकर हमें एक बार फिर ये याद दिलाते हैं, ये बताते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत सुंदर संदेश जो है आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप सब तक पहुंचाया जा रहा है। आज गणपति जी स्थापित हुए हैं लेकिन आपको अपने मन के भीतर इन्हीं भावों को रखना है और गणपति महोत्सव के इस पर्व को सही मायने में मनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये परिचर्चा पसंद आई होगी। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को आज के लिए यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और चलते चलते आइए आभार व्यक्त करते हैं वेदिका दीदी इतनी सुंदर चर्चा करने के लिए और इतनी गंभीरता से, इतनी गहराइयों से हमें इसका साक्ष्य देने के लिए, हमें इतनी सुंदरता से इसकी सही जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार, देखते रहिए आपका अपना प्रिय जय पारस।